जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिलहाल मैं हूँ मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के रतलाम शहर में। रतलाम शहर को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि रतलाम की रतलामी सेव देश विदेश में काफ़ी फेमस है। जी हाँ दोस्तों, मैं वही रतलाम शहर में हूँ जहाँ की रतलामी सेव काफ़ी फेमस है, काफ़ी मशहूर है। और अभी मैं रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया को क्रॉस करते हुए रेलवे स्टेशन के मेन बिल्डिंग साइड जा रहा हूँ। आगे की बात मैं आपको वहीं बताता हूँ कि आज मेरी यहाँ से कौन सी जर्नी है, कैसी जर्नी है, आज की जर्नी स्पेशल क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, ये जो आपको चमचमाता हुआ रेलवे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये रतलाम जंक्शन का मेन एंट्रेंस है और ये मेन बिल्डिंग है। दोस्तों, यहाँ से राइट साइड में देखेंगे वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 है जो इंदौर बाउंड है, और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6, 7 है जिस साइड हम देख रहे हैं, ये आते हैं जो मुंबई बाउंड है। हम अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6, 7 की ओर जा रहे हैं। ये प्रोबेबली थोड़े से बिजिएस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं क्योंकि ये मुंबई दिल्ली मेन लाइन को जोड़ते हैं। अगर मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, अगर आप रतलाम जंक्शन पहली बार ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समय से पहले आ जाइए ताकि आपको ये सिस्टम समझने में वक्त लगेगा और आपकी ट्रेन ना छूट जाए। हाँ, हालांकि ये चीज़ एक अच्छी है कि सारे FOBs यानी फुट ओवर ब्रिजेस से ये स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, रतलाम जंक्शन पश्चिम रेलवे का काफ़ी महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन है। ये मुंबई दिल्ली मेन लाइन पे बसा हुआ है। यहाँ 7 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ से काफ़ी सारी लाइंस गुजरती हैं, जैसे कि रतलाम इंदौर वाया फतेहाबाद, रतलाम नागदा, रतलाम दाहोद, रतलाम चित्तौड़गढ़, ये सारी लाइंस गुजरती हैं। दोस्तों, आज की मेरी यात्रा 12909 बांद्रा टर्मिनस हज़रत निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस में होने जा रही है। ये गरीब रथ एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज़ की फास्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस है और मेरी यात्रा आज की बेहद ही खास होने जा रही है, क्योंकि मैं आज यात्रा करने जा रहा हूँ गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी चेयर कार कोच में। गरीब रथ एक्सप्रेस के हॉल्ट्स की बात की जाए तो गरीब रथ एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से 5:30 बजे निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद बोरीवली पे 4 मिनट का हॉल्ट है, देन सूरत के बाद वडोदरा के बाद रतलाम के बाद कोटा के बाद मथुरा, और उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन पे जाके एंड कर जाती है ट्रेन। दोस्तों, आज की जर्नी के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज की मेरी जो जर्नी है वो गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी चेयर कार कोच में होने जा रही है। ये एसी चेयर कार कोचेस गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं और ये कोचेस थोड़े से डिफरेंट है ICF एसी चेयर कार कोच यानी कन्वेंशनल एसी चेयर कार कोच और LHB एसी चेयर कार कोचेस से, दोनों से ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए। हाँ, हालांकि थोड़ा सा नर्वस भी हूँ मैं, क्योंकि यहाँ एसी चेयर कार जो गरीब रथ का है उसमें थोड़ी सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, बट स्टिल मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि वो कंफर्टेबल होते हैं नहीं होते, आप कितनी देर उन सीट्स पे आराम से कंफर्टेबली बैठ पाते हैं, आप कितनी देर में थक जाते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये ट्रेन कुछ ही सालों में या हालांकि 1-2 सालों में अगर LHB हो जाती हैं तो ये मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा, तो उस वजह से आज मैंने इस ट्रेन में जर्नी करने का मूड बनाया, टिकट बुक की और अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ स्टेशन पे। दोस्तों, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 की जगह 6 पे आ चुकी है और देखिए सरप्राइज हमें क्या मिला है। हमारी ट्रेन का आज लोको लिंक है विशाखापट्टनम शेड का WAP 7 लोकोमोटिव, जो कि ऑफ लिंक है और हमारी ट्रेन आ चुकी है। मैं ट्रेन में बोर्ड करता हूँ, तब तक देखिए जर्नी हाइलाइट्स। मैं आपसे सीधा मिलता हूँ ट्रेन के डिपार्चर टाइम पे।
दोस्तों हमारी ट्रेन का रतलाम जंक्शन पे ऑन टाइम अराइवल हुआ था और ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है। मैं जितने में लगेज सेटअप करके आता उतने में ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया क्योंकि यहाँ मात्र 3 मिनट का हॉल्ट था। तो चलिए देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहती है। दोस्तों अगर कोच की बात करें तो कोच काफ़ी अनकंफर्टेबल है एसी चेयर कार का। इसमें 102 सीट्स हैं और ऐसे 4 कोचेस लगे हुए हैं एसी चेयर कार के हमारे बांद्रा निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस में, और 15 स्लीपर यानी थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस लगे हुए हैं। तो आज मैं उतना पीछे तो नहीं जाऊंगा यानी थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस में तो नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एसी चेयर कार दिखाने वाला था गरीब रथ एक्सप्रेस का, तो वो मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी अनकंफर्टेबल है। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहते हैं तो हार्डली 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, बट हाँ बजट ट्रिप है। बजट में आपको अगर एसी में ट्रैवल करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए तो चलते हैं हम अंदर। दोस्तों एंट्रेंस से ही आप देख सकते हैं कि जो वॉकिंग पैसेज है वो कितना नैरो है 3x3 सिटिंग अरेंजमेंट की वजह से। और ये रहा हमारा लगेज रैक जिसमें एक हार्डली मीडियम साइज़ की ट्रॉली बैग जैसे तैसे फिट हो सकती है। उसके ऊपर का कोई भी ट्रॉली बैग का साइज़ ऊपर फिट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर उससे बड़ा साइज़ आप लेके आते हो तो आपको नीचे ही हमारे पैसेज में रखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा कंजेशन क्रिएट कर देगा। ये रहे हमारे बॉटल होल्डर्स, ये हमारा मिडल पैसेज का डोर, ये है हमारा मिडल पैसेज। दोस्तों यहाँ 2 एडिशनल डोर्स हैं जैसे जनरल क्लास में बीचों बीच दिए होते हैं ताकि रश, अगर किसी स्टेशन पे हॉल्ट कम है और लोगों का रश ज़्यादा है तो अच्छे से उतरना चढ़ना हो सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम कंडीशन है, टोटली पैक चल रहा है कोच। और ये ICF की एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि यहाँ पे फ़ैन दिए हुए हैं AC के साथ। तो ये था हमारा कोच का इंटीरियर। दोस्तों आपको कैसा लगा? हालांकि आपने देखा लेग रूम काफ़ी कम है। मैं अंदर बैठ के बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रात का टाइम है, अभी 3:30 बज रहे हैं और काफ़ी सारे लोग सो रहे हैं, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदर जाके ब्लॉग करना चाहिए। हालांकि कुशनिंग कंफर्टेबल है बट लेग रूम नहीं दिया हुआ है, लेग रूम नहीं है। इस ट्रेन में ई कैटरिंग अवेलेबल है, बाकी कंट्री कार नहीं है। हाँ ऑनबोर्ड कैटरिंग सर्विस हो तो मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी रात का टाइम है तो कुछ मिल नहीं रहा है फर्स्ट थिंग। तो अगर आप ओवरनाइट ट्रेन जर्नी कर रहे हैं तो अभी कुछ मिल नहीं रहा है, या तो आप ऑर्डर कर लें या फिर स्टेशन से लेके चलें। मेरा सजेशन आप मानो तो आप 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा की जर्नी कर रहे हैं गरीब रथ एक्सप्रेस में, तो आप या तो थर्ड एसी इकोनॉमी यानी थर्ड एसी का टिकट निकलवा लीजिए, या फिर चेयर कार में कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आप जर्नी नहीं कर पाएंगे। मैं लिटरली अभी अंदर बैठ बैठ के बहुत बोर हो गया बट कुछ कर नहीं सकता, हालांकि कुशनिंग अच्छी है। चलिए खैर ये सब छोड़िए, मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉश बेसिन ठीक था, ओके टाइप। ये कोचेस 15 साल पुराने हैं और देखते हैं सोप डिस्पेंसर में सोप है कि नहीं, ये एक अच्छी बात है। ये कॉक तो टोटली मूव कर रहा है तो इसका तो क्या ही करें, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने मेंटेनेंस नहीं किया। डस्टबिन रखा हुआ है, अच्छी बात है, पानी आ रहा है। मिरर अंदर का क्लीन है, बाहर का काफ़ी गंदा था बट ये अच्छे से क्लीन है। हैंगर्स दिए हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन है, ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैन है पर चल रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, कहाँ से ऑन करते हैं। शॉवर, क्लीनिंग शॉवर भी चल रहा है। और अगर बात करें तो ये भी अच्छा खासा क्लीन लग रहा है, क्लीन है। वॉशरूम तो वैसे क्लीन है, जिस टाइप की कोच की कंडीशन है
15 साल पुराने ICF कोचेज हैं, 130 पे नॉनस्टॉप भाग रहे हैं। उस हिसाब से अगर कोच की कंडीशन देखी जाए तो वेल मेंटेन्ड है। हाँ, हालांकि कोच पुराने होने की वजह से थोड़ी असुविधा हो सकती है, बट इंटीरियर अच्छा है वॉशरूम का और क्लीन भी है, मेंटेन्ड अच्छे से किया गया है। तो मेरे हिसाब से मैं इसे 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा वॉशरूम्स की कंडीशन। ट्रेन की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, और अभी हमारी ट्रेन शायद किसी स्टेशन पर थोड़ी स्लो डाउन हुई है, देखते हैं वो भी। बट अगर बात की जाए, ट्रेन पंक्चुअल है। ये ट्रेन अभी जो सेक्शन है यानी रतलाम कोटा सेक्शन, इसमें सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है। ये लेती है 2 hours 47 minutes। हालांकि फास्टेस्ट ट्रेन भी 2 hours 47 minutes लेती है, बट वो विथ वन हॉल्ट है, वो है किंग राजधानी, यानी मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली किंग राजधानी एक्सप्रेस या तेजस राजधानी बोल लीजिए, वो भी 2 hours 47 minutes लेती है, लेकिन वो एक हॉल्ट के साथ लेती है जो कि नागदा हॉल्ट है, और ये नॉनस्टॉप जा रही है। तो उस वजह से ये भी ऑलमोस्ट फास्टेस्ट कह सकते हो या सेकंड फास्टेस्ट कह सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं मिडल पैसेज में खड़ा हूँ, दोनों साइड चेयर का सिटिंग है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, और ये मिडल पैसेज है। ये एक अनोखी चीज़ है, ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा। और अभी भी हमारी ट्रेन भवानी मंडी स्टेशन पर रुकी हुई है अनशेड्यूल हॉल्ट पे, देखते हैं पता नहीं क्यों रोकी गई है, ज़्यादा बिफोर टाइम आई है उस वजह से या कोई और रीज़न है वो अब तक पता नहीं है। हालांकि अगर बात की जाए इस ट्रेन की यानी हमारे गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो गरीब रथ एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस 24 February 2007 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसे लास्ट मंथ 15 साल हो चुके हैं सर्विस देते हुए। हालांकि ये बेहद अच्छी ट्रेन सर्विस है, काफ़ी चीप और रिजनेबल रेट में आपको 16 hours 45 minutes में मुंबई टू दिल्ली पहुंचाती है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स में से एक है। तो इसमें आपको रिजर्वेशन तो इतने इजीली अवेलेबल नहीं होगा, आपको थोड़ा जल्दी ही रिजर्वेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते भर पहले आओ और रिजर्वेशन मिल जाए, वो काफ़ी वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि इतना ईजिली आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस ट्रेन में प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, तो थोड़ा रिजर्वेशन जल्दी निकाल लीजिएगा। फाइनली 8 to 10 minutes रुकने के बाद हमें भवानी मंडी से डिपार्चर दे दिया गया है, जो कि हमारा अनशेड्यूल्ड हॉल्ट था, और हम यहाँ पे मन्नारगुड़ी भगत की कोठी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। और आप इसमें देख सकते हैं इंडियन आर्मी का किचन कार कुछ लगा हुआ है, इसमें ट्रांजिट में है। और ये रहा गोयल वेब 7, गोयल DMD वेब 7 भिलाई का। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी न्यूट्रल सेक्शन आता है ना, हमारी ट्रेन के यानी पर्टिकुलरली हमारे AC चेयर कार के कोचेज की लाइट्स, मुझे नहीं पता 3 AC में होता है या नहीं, बट हमारे AC चेयर कार के लाइट्स ब्लिंक करने लग जाते हैं, या ब्लिंक नहीं, कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए शट डाउन हो जाते हैं ऑलमोस्ट। LHB में भी ये चीज़ होती है, क्योंकि HOG टेक्नोलॉजी लगी हुई है इसमें भी और उसमें भी, इसमें मॉडिफाई किया हुआ है, और LHB कोचेज में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी पहले से दी गई है। तो उस वजह से इस ट्रेन के दोनों जनरेटर साइलेंट हैं। बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इस ट्रेन में यानी हमारे कोचेज में मैं जो अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यहाँ कुछ ज़्यादा टाइम के लिए लाइट्स शट डाउन हो जाते हैं 10 to 15 seconds, जबकि LHB कोचेज में हार्डली 1 to 2 seconds हो सकता है। ये ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं, उस वजह से उन्हें स्विच ऑफ होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और बाकी सब में LEDs लगे हुए हैं, उस वजह से भी डिफरेंस हो सकता है। बट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मज़ा भी आ रहा है इन सब चीज़ों का, कुछ कुछ नई नई चीज़ें देखने मिल रही हैं, जिस वजह से सच में मज़ा आ रहा है। और ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस जर्नी को, थोड़ा बहुत ट्रबल के साथ, बट हाँ, आई एम एंजॉइंग दिस ट्रेन जर्नी। अभी
हार्डली आधे घंटे में हमारा नेक्स्ट हॉल्ट कोटा जंक्शन आ जाएगा, और इस ट्रेन में हेड ऑन जनरेशन यानी ICF ट्रेन होने के बावजूद इसमें हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी लगाई गई है। EOGs को ऑफ यानी हमारे जनरेटर कार्स को टोटली ऑफ किया गया है, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लोकोमोटिव से ही पूरे कोचेस को दी जा रही है, जिस वजह से दोनों जनरेटर साइलेंट हो गए हैं, एकदम उनका नॉइस पोल्यूशन बंद हो गया है। साथ ही साथ में जो डीजल यूज़ होता था, डीजल जो कंज्यूम होता था हैवी अमाउंट में, वो भी बंद हुआ है, जो अच्छी एक सेविंग हो रही है और एक क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जितने भी मेरे हिसाब से जितने भी गरीब रथ अगर और 2-3 साल तक कन्वेंशनल कोचेज यानी ICF कोचेज यूज़ करने वाली हैं, मेरे हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट सभी में करके देखना चाहिए। दोनों जनरेटर एकदम शांत हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं खुद की राइड बिना आवाज़ की, और अगर आवाज़ नहीं होता तो एकदम आगे पीछे के जो दो दो कोचेज हैं उनमें भी हम शांति से बातचीत कर पाते हैं डोर पे निकल के, या फिर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ ये कर सकता हूँ। बट अगर ये जनरेटर ऑन होते तो इतना इजीली मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता। चलिए तो मैं अंदर बैठता हूँ, कोटा आता है तब मैं आपसे मिलता हूँ। कोच की कंडीशन देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे 1.5-2 घंटे से बाहर खड़े रह के क्यों बतिया रहा हूँ। लेग रूम देख सकते हैं कि कितना कम है, हार्डली 4-5 इंच की गैप बचती है अगर मैं पैर ऊपर रखता हूँ। पैर लंबे करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये रहा मल्टीटास्किंग टेबल, इसके ऊपर आप खाना रख के खा सकते हैं, लैपटॉप रख के कोई वर्क कर सकते हैं, या और कुछ मिसलेनियस स्टफ रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बैगेज कैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि ऊपर बिल्कुल जगह नहीं है। और ये रहा हमारा आर्म रेस्ट, कोई रिक्लाइनर या किसी भी टाइप का पुशबैक का कोई ऑप्शन नहीं है सीट में, जो कि एक बहुत ख़राब बात है, क्योंकि 16-18 घंटे की जर्नी है। और आप ऊपर का लगेज रैक देख के समझ सकते हैं कि यहाँ मीडियम साइज़ की सूटकेस और मीडियम साइज़ के लगेज भी जैसे तैसे आ रहे हैं, और लोग जैसे सोए हुए हैं, ये देख के आप समझ ही गए होंगे हालत। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी जर्नी फिनिश होने आई है। आशा करता हूँ आपको मेरी बांद्रा टर्मिनस हज़रत निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस की जर्नी पसंद आई होगी। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरी जर्नी उम्मीद से ख़राब रही। ट्रेन का रैक ठीक ठाक था, इस ट्रेन में मेरी जर्नी एक्सपीरियंस ना ज़्यादा अच्छा रहा ना ज़्यादा ख़राब रहा। मैं इस ट्रेन जर्नी को 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूँगा। और दोस्तों मैंने इस ट्रेन जर्नी को पॉइंट वाइज डिटेल्ड रेटिंग दी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये जर्नी वीडियो कैसा लगा और आगे आप कौन सी ट्रेन जर्नी देखना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे एक नए जर्नी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।